नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायिका रश्मि आर्या के नेतृत्व में राष्ट्रपति जिलाधिकारी संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर अंकुश श्रीवास्तव को सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि लोकतंत्र की हत्या, बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नौजवानों की बेरोजगारी, किसानों के ऊपर थोपे जा रहे काले कृषि कानून, महिलाओं से दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाने जैसे जिला पंचायत अध्यक्षों व ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जो गुंडागर्दी और लोकतंत्र की हत्या हुई है, भाजपा राज्य में उसकी कोई कल्पना नहीं थी। चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास धुक्का मुक्की कर पर्चे फाड़ना व नामकरण न करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायिका रश्मि आर्या भाजपा सरकार पर तमाम आरोप लगाती हैं। इस मौके पर हरिश्चंद आर्य, पन्नालाल पटेल, उमेश खरे, सोहनलाल वर्मा, चांद रायन, राकेश पहलवान, पीयूष यादव, छात्र नेता भूपेंद्र समारी, हेमंत यादव, नारायण सिंह, दीपक यादव, छात्र शक्ति अध्यक्ष आकाश यादव, संतोष कुमार, दयाराम, केदारी लाल, मनीष यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मऊरानीपुर से जगदीश की रिपोर्ट। प्रदर्शन रहा है और आप भी ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी रहे हैं, तो क्या कहेंगे आज प्रदर्शन को लेकर? सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे नामांकन से लेके और मतदान तक सत्यता को दिखाया। सभी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के इस धरना प्रदर्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जनता का विश्वास खो रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि 22 में बुरी तरीके से हारने वाले हैं। और नौजवान विरोधी सरकार है, तो ये इतनी विरोधी सरकार है, ये कुछ विकास के काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ नाम ही नाम चल रहा है कि हाँ विकास होगा विकास होगा, इसी के नाम पे जनता का वोट लेके चले जाते हैं, जीत के आ जाते हैं। तो बस हम बस यही कहना चाहते हैं, जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि भले सब बात को समझिए कि ये प्रशासन, ये शासन जो चल रहा है, ये बिल्कुल ऐसा शासन है जो कि सिर्फ नाम का शासन है, कार्य कुछ नहीं करने वाला।